तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इस नई लाइपो बैटरी को आप स्टार्टिंग में यूज़ कैसे कर सकते हो अगर आप एक टोटल बिगनर है हो तो। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में अगर आप एक न्यू लाइपो बैटरी लेते हो वो ब्रांडेड नहीं रहती है, उसके साथ एक चीज़ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ रहती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। आप किसी भी चीज़ लेते हो उसके साथ ये चीज़ ज़रूर आती होंगी, और ये क्यों आती है इस वीडियो के अंदर अपन वही बात करेंगे। ये अपनी रैपर बैटरी को मैं आराम से रखूँगा यार। तो इसके साथ ये बबल रैप आता है, यहाँ पे देख सकते हो, बचपन में अपन इसको ऐसा ऐसा करके फोड़ते थे ना, ये आता था। ये स्टार्टिंग में क्या है कि ये कई को लगाते बोले तो बैटरी इसके अंदर डाल देते ना, तो अपन इस बैटरी नई बैटरी रहती इसके अंदर डाल के रखना रहता आपको। स्टार्टिंग में इसे निकाल के इसको फेंक दो, मतलब ये वेस्ट है भाई, इसको फेंक दो बोल के आपको नहीं छोड़ना है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई, अगर आप ये फेंक दोगे तो फिर कैसा तुम लोग बैटरी को सेव करोगे बोलो? बैटरी को सेव नहीं कर सकते। खाली ये इसे क्या होता है कि मतलब अगर आपके बैटरी बाई चांस, अगर नई बैटरी है बाई चांस आपके हाथ से नीचे गिर गई तो किधर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके लिथियम पॉलीमर शेल्स के ऊपर पड़ेगा ना, तो ये डैमेज हो सकते हैं। तो अगर ये गिरने के मोड पर भी है, समझो ये पेन लेके है, समझो नहीं ये क्या बोले तो ये कवर ये पेन लेके है ना, ये पेन लेके है समझो, ये इसका बैग है दोस्तों। एक्चुअली मैं बोलूँ तो बबल रैप बैग बोलते हैं इसको। अगर ये पेन लेके भी बाई चांस रहा, बाई चांस ये पेन लेके रहा तो अगर ये नीचे भी गिरा तो लैपटॉप बैटरी डैमेज नहीं होता। क्यों डैमेज नहीं होता है? क्योंकि बोलते ये नरम रहता है यार, बैटरी को डैमेज होने नहीं देता इन्हें। और ये दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि इसका बैटरी का जो पावर है वो इसके अंदर स्टोर होके रहता है, बैटरी का जो लीक पावर नहीं होता है, यानी कि लीकेज नहीं होता है लैपटॉप बैटरी में से पावर। अगर मैं लैपटॉप बैटरी को एक दिन फुल चार्ज कर दूंगा और ड्रोन को नहीं उड़ाऊँगा तो इसमें आपको हल्का फुल्का सॉइलिंग प्रॉब्लम देखने को मिल भी सकता है अगर आप इसके अंदर नहीं डाल के रखते हो तो। जब कहीं बहुत बड़ा केस भी हो सकता है भाई, फट भी सकता है अपना बैटरी, तो रिस्क क्यों लेना है भाई आपको? ऐसा अगर आपके साथ आपको नई बैटरी लिया, आपको नई बैटरी ले ली है लेकिन आपको ये नहीं आया तो क्या करना है? बबल रैप बोल के आप कहीं से भी ले सकते हो यार, स्टेशनरी में आराम से मिल लेगा। क्या करना है, ऐसा वाला बैग बना लेना है जैसा कि ये कंपनी वाले बनाए। बैग बना के क्या करना है, इसके अंदर डाल के आपको रख देना है, इसके अंदर डाल के रख देना है, और आपको टेपिंग भी कर देना है, सेलो टेप से आपको पूरा कवर कर देना है। कहीं को बोलते नवी बैटरी है यार, नवी बैटरी को कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं को बोलते बहुत ही ज़्यादा महंगी रहती है, अराउंड ये 2000 का है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसका प्राइस है दोस्तों। और ये आपको सेलो टेप से कुछ ऐसा आपको रैप कर देना है, अंदर डाल के रैप कर देना है। देखो दोस्तों, अभी गिरे तभी उसको कुछ भी नहीं होता, अगर मैं इसको इधर से भी गिराऊंगा ना तो इधर लैपटॉप पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अपना लैपटॉप ख़राब नहीं होगा। चलो आप बात करते हैं इसको यूज़ कैसा करना है। सबसे पहले अगर आप नवी बैटरी लेते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप इसको क्या क्या चीज़ में यूज़ करने वाले हो, जैसे कि आरसी प्लेन, जैसे कि आरसी ड्रोन, जैसे कि आरसी एक्सोकॉप्टर्स, जैसे कि आरसी मैसिव कार्स। आप क्या चीज़ बनाते हो इससे मुझे कमेंट करो दोस्तों, ये चीज़ से आप क्या बनाना चाह रहे हो और मैं उसके ऊपर वीडियो काफ़ी जल्दी लेके आ सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़, देखो दोस्तों मैं आपको प्लीज़ भी बोलूँगा, आराम से यूज़ करो। आप अपनी लैपटॉप बैटरी की नवी बैटरी भी आप लेते हो ना तो उसको आराम से यूज़ करो यार, ऐसा गिराओ मत उसको। अगर आप ऐसा गिरा दो या ऐसा भी गिरा तो डायरेक्ट वो इम्पैक्ट शेल्स के ऊपर पड़ेगा और शेल्स क्या होंगे आपके, खराब हो जाएंगे, फिर वो रिपेयर नहीं होते, फिर वो शेल्स खराब हो जाते हैं। तो नवी बैटरी के अंदर आपको शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है। लास्ट डिस्चार्ज इसकी रेटिंग है 11.1 वोल्ट, बाजबता इधर दिखा हुआ है। अगर आप 10.5 वोल्ट कर दोगे तो अपना लैपटॉप बैटरी डेफिनेटली पूरी तरीके से खराब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 11.1 वोल्ट इसका लास्ट डिस्चार्ज रेटिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है दोस्तों, और बड़ी बैटरी को यूज़ लेना भी बोले तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि आप इसको कूल स्टोर में रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल रहता है। देखो जहाँ पे बच्चे नहीं रहते, छोटे बच्चे भी इसको टच नहीं करना, अगर मासूम से बच्चे इसको टच करे वो तो उनका हाथ पक्का जल सकता है। तो ये बच्चों का चीज़ों का खेल नहीं है दोस्तों, ये बच्चों की चीज़ों का हाई नहीं है खेल, खाली एक प्रोफेशनल बिगनर का है। जैसे कि हम लोग एक प्रोफेशनल बिगनर है तो इसको टच किया इसको पूरा सा पकड़ भी सकते हैं हम लोग, तो हमको कुछ नहीं होता क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमको ऑलरेडी है, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। मैंने यहाँ पे ब्रांडेड बैटरी लिया दोस्तों, ये खटारा बैटरी नहीं है, मैं पाइलेज बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हाई पावर हाई क्वालिटी, ये क्वालिटी की बैटरी है और ये डुप्लीकेट बैटरी होती नहीं है। मैं बाहर से इंपोर्ट करके इसको लेके आया, मतलब इंपोर्ट नहीं यार एक्सपोर्ट करके लेके आया, सॉरी एक्सपोर्ट करके लेके आओ। अगर मेरे से कुछ भी गलत प्रोनाउंस होता है तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना अपने भाई को, तो एक्सपोर्ट करके ले गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा खर्चा मुझे इसमें मिला है। कई को तो इधर तो ऐसी ओरिजिनल बैटरी नहीं मिल रही थी मुझे ऑफलाइन में, तो मुझे इसको मतलब बाहर से मंगाना पड़ा, जैसा कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट मुझे इसका पड़ गया, करीबन 3000 या 5000 का इसका कॉस्ट पड़ गया एक बैटरी का। अब सोच सकते हो आप तो ये कितना महंगा यार, फिर समझ जाना यार आप हो तो।
तो इसके अंदर आपको सेफ्टी चीज़ एक मिल जाती है, मतलब 5000 की बैटरी के अंदर आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी मिल जाती है, वो है इसका कनेक्टर दोस्तों। अब इधर देखो, इधर सेफ्टी देखा हुआ है ना, कितना अच्छा सेफ्टी लगा हुआ है यार। देखो ये रहना चाहिए दोस्तों, अक्सर क्या रहता है कि 2 या 1000 रुपये के बैटरी के अंदर ये सेफ्टी लगा हुआ नहीं रहता है, इसको सेफ्टी गार्ड बोलते हैं, बैलेंस सेफ्टी गार्ड। अगर अगर आपका बैटरी अगर ये नहीं लगा है तो आपका बैटरी का जो वायर है वो क्रैश होकर कट भी सकता है। ड्रोन जब क्रैश होता है तो जब ये कट जाता है तो नहीं कटने के वास्ते क्या करते हैं, लगा ऐसा लगा के रख देते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं बैलेंस, यानी कि बैलेंस रहता है, ये लगा लिए तो वायर नहीं कटते, समझो ये ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल बैटरी को चलना ये लगा के रखते दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मैसिव है और काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल है, मैं वही बोलूँगा ज़्यादा शॉर्ट सर्किट इसको नहीं करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना है, कूल जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल रहता है, और छोटे बच्चों से दूर रखना है, मैक्सिमम 14 या 15 ईयर्स के बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। और आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए लाइपो बैटरी को आप कैसा कंट्रोल करते हो लाइफ में आपके फ्यूचर में। तो ये काफी ज्यादा मैसिव है, इसको चार्ज करने के लिए अपन B3 चार्जर यूज करते हैं, जो कि कॉम्पैक्ट चार्जर है और बढ़िया चार्जर है, बिगनर के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट है, तो आप वो ले सकते हो। और ये यहाँ पे देख सकते हो, इसके एमएच की बात करें तो लाइपो बैटरी 2200 mAh लेवल 0.14 30 VC कैपेसिटी का है, ये 35 VC कैपेसिटी का है, और ये RC पैक है दोस्तों, टोटली RC पैक है, यानी कि पूरा RC पैक है। RC पैक मतलब क्या रहता है बताओ, इसके अंदर सीरीज कनेक्शन रहता है, सीरीज कनेक्शन में ये लगा इसको बना दे, और ये काफ़ी ज़रा खूबसूरत और काफ़ी ज़रा मैसिव है। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं ऐसे पढ़ लो दोस्तों, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले सकते हो। तो वही बोल रहा है, इन्हें डिस्चार्ज नहीं करना है, अपने लैपटॉप बैटरी को नीचे नहीं गिराना है, डिस्चार्ज रेटिंग है 11.1 वोल्ट, 10.5 वोल्ट नहीं करना है, नीचे गिराए तो इधर डैमेज पड़ता है, इधर डैमेज नहीं पड़ना और इधर डैमेज नहीं पड़ना, नहीं तो आपका लैपटॉप बैटरी डैमेज भी हो सकता है। और ये पंचर नहीं करना है इसको, सबसे बड़ी बात, सॉइल हो गया तो थोड़े बिगनर क्या करते बताओ, पंचर कर देते, आपको पंचर भी नहीं करना है, और अपनी लैपटॉप बैटरी को कूल जगह पर रखना है और अच्छी जगह पर रखना है और छोटे बच्चों से दूर रखना है और इसको आराम से नीचे नहीं गिराना है। और हमेशा अगर आप नई बैटरी लेते हो तो इसके साथ अगर आपको ये बैग नहीं मिलता है तो आपको ये बना लेना है, बनाने के बाद फिर अपनी नई लैपटॉप बैटरी को इसके अंदर डाल देना है, फिर डाल देने के बाद आपको इसके ऊपर अच्छी से टेपिंग कर लेना है। कभी भी बाई चांस अगर आप बोल नहीं सकते, बाई चांस अगर आपके हाथ से भी गिरेगा तो ये बैटरी ख़राब नहीं होगा, बस्ट नहीं होगा, तो इसके अंदर डाल के रखना है, बबल रैप बोलते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये अपना RC प्लेन बनाएंगे, काफ़ी जल्दी वीडियो आने वाला है, तो उससे पहले आप क्या कर दो, हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, प्यारा से कमेंट करो, कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्या चीज़ बनाते हो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो भी काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव भी हो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो स्काईकॉप्टर शॉर्ट्स, जब तक देखते रहो इस लाइपो बैटरी को।